तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शकल देख जाके जरा खैर अपनी मना आगे पीछे फिर है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब दिखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतरा रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमीन पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी सोनिए बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए बातें शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा ये टुकड़े उठाना अभी लेके जाना जो टूटेगा अब दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी सोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए ओहो चलते वक्त तो फोन रख दिया करो भाई कहाँ है पता नहीं अपने कमरे में होंगे राजा
दो तीन दिन से रोमियो यूनिवर्सिटी से आके सीधा अपने रूम में चला जाता है, किसी से बात भी नहीं करता है, और खाने का पूछो तो कहते हैं मुझे भूख नहीं है। ये सिम्टम्स तो सारे मोहब्बत वाले हैं। मसला ये है कि मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली कि हर ज़हनी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया सिवाय मोहब्बत। मैं तो सारा दिन ये इंतजार करती हूँ कि वो मुझसे कुछ मांगेगा, मगर वो मांगता ही नहीं। हाय, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए ड्राइवर के बगैर। क्या? शुक्र है तुमने मुझसे कुछ मांगा। ये लो गाड़ी। तुम चाहो तो बेशक मेरी गाड़ी ले जाओ। नहीं डैड, थैंक्स। वो क्या है ना, आपका मॉनिटर। जी राजा, मुझे लगता है कि उस लड़की के चक्कर से निकल गए। देखो, मर्ज कोई भी हो ना, चाहे मोहब्बत का ही क्यों ना, उसको शुरू में पकड़ लो तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। यार, ये तो काफी तंग सा रास्ता है। तुम्हारे घर आने का इससे ज्यादा खुला रास्ता कोई नहीं है क्या? क्या ये सबसे खुला रास्ता है? अच्छा, आता हूँ एक मिनट। अरे भाई, थोड़ा उधर करो ना यार। अरे ओ बाबा, इसको कंट्रोल करो यार, एक मिनट। हेलो हीर, आप हाँ हीर, तुम प्लीज किसी को अपने घर से भेज दो। हाँ ठीक है, मैंने गाड़ी यहीं साइड पे पार्क कर दी है। ओके परफेक्ट, ओके बाय। ओए तेरी खैर, जबरदस्त है। क्या पर्सनैलिटी है जनाब, सुपर है जी, सुपर। थैंक यू जी, थैंक यू। हीरबाजी, मेहमान आ गए। सलाम अलैकुम। नजर भाई, पहचाना इनको? ये वही है जिन्होंने कैंटीन में आपकी बेइज्जती की थी। चुप, चुप, कब अकल आई? आप आए, बैठिए ना प्लीज। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। मतलब जो मेरी इस घर में बेइज्जती करेगा उसको इस घर में इज्जत मिलेगी, ये गल मेरी समझ से बाहर है। बाहर है, शुक्र है। अब नजर भाई, रोमियो आपकी बहुत इज्जत करता है। रोमियो करके दिखाओ।
क्या? ओह, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ये कोई इज्जत नहीं, अच्छे खासे यंग आदमी को अंकल कह दिया, बल्कि मजीद बेइज्जती की बात है ये। माना मैं उम्र में तुमसे थोड़ा ही बड़ा हूँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मुझे अंकल कह दो। रोमियो भाई आप बैठे भाई। नजर भाई आए, मैं आपको उनकी गाड़ी दिखाता हूँ, ईमान से देखकर खुश हो जाएंगे आप। क्यों, इसकी गाड़ी लतीफे सुनाती है? जी मैं हीर की बड़ी बहन सोनी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अब और ये मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये, मैं नाराज हूँ, ये इनका नाम नहीं काम है। नजर बेटा जरा इधर आना। एक्सक्यूज मी, हाय, जैसा हीर ने बताया था आप तो बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उससे भी ज्यादा हैंडसम। तो आप दोनों कैसे मिले? हमारी पहली मुलाकात एक्चुअली पानी के शॉप पर निकल आई थी। इतना ठंडा पानी फेंक दिया, ऊपर से कैंपस का पानी इतना गीला भी होता है। फिर मुझे पानी मत फेंकना प्लीज, ये अनहा जाने के प्लीज। अच्छा तुम्हारे लिए मिनरल वाटर लाऊं? बाथरूम का है। ये क्या किया तुमने? पानी फेंका तुम पर, आइंदा मुझसे पंगा मत लेना। हीर से पंगा नॉट चंगा। रोमी भाई आपने जूते कितने के लिए? 80,000 के। 80,000 के? मुझे बता देते, मैं थोड़ी रियायत करवा देता आपको। गाड़ी की चाबी ढक देना, ढक दो। नहीं, वो मैंने देखना है कि आपने गाड़ी सही तरह पार्क किए या नहीं किए। इसको गाड़ी की चाबी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आजा बेटे, ये देख, मेहमानों के सामने शर्म के मारे तू खाता नहीं ना, ये तू खा ले, तब तक हकीम साहब भी आ जाएंगे। मुझे पेटू समझा हुआ? मेहमानों को दे दे। भाई इरशाद तुम इधर इधर आओ, मुझे खिदमत करने दो। खिदमत करूं? ये लो, ये खालिस हरपड़ का मुरब्बा है, हमारे दवाखाने जैसे मुरब्बे और कहीं नहीं मिलते। ये लो खाओ ना भाई, चाहिए हो तो मंगवा लेना, दवाखाने से मुफ्त है, खाओ चबक चबक चबक। और हाँ, ये माजून है, माजून है, ये खाओ, इससे दिमाग तेज होगा, खाओ ना। हकीम साहब आपने तो पूरा दवाखाना ही खोल लिया यहाँ पे। रोमियो, ये हीर ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है, खाओ ना। अच्छा मैंने क्या बनाया, मुझे भी चखाना। अरे रोमियो भाई आपने समोसे खाए? लाइन में लग के लेने पड़ते हैं, बड़ा रश होता है शाही समोसे वाले की दुकान पर। अरे मैं आपकी गाड़ी देखकर आता हूँ, कहीं लड़कों ने लाइन नहीं मार दी हो क्या? अरे आप टेंशन ले, मैं हूं ना। ताकत दी ना, ताकत दो, ताकत दी ना, ताकत दो।
दिन तक दूं। अंकल ना ओवर हो गया। ओवर होने की तो तुम फिक्र ही ना करो, ऐसी फक्की दूंगा कि सब क्लियर। बेटा अंदर से जाके ना कमरे से वो नीले रंग की वो पक्की वाली बोतल लेके आ। नहीं 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 अंकल, मेरा पेट एकदम परफेक्ट है, एकदम गुड। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक वाली पक्की भी है, वो सफेद वाली बोतल लेके आना। नहीं ठहरो, मैं खुद लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? मेरा मतलब है तुम लोग आफ्टर ऑल मालदार लोग हो, वो तो कुछ नहीं करते होंगे। जी नहीं, मेरे डैडी डॉक्टर हैं। लो डॉक्टर है, मेरी फूफो का बेटा भी डॉक्टर है। हमारे इलाके में किसी की मुर्गी बीमारी से नहीं मरती, इतना अच्छा डॉक्टर है। हट, ये लो बेटा, ये फक्की लो, फक्की खाओ, फक्की। अभी ठीक हो जाएगा, अगर ठीक भी है ना तो और ठीक हो जाएगा। ये ले 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 ले, पानी 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 पानी, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी ठीक हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। माशाल्लाह कितने भाई हो तुम लोग। जी मैं इकलौता हूँ। मैं भी अपने दो छोटे भाइयों का इकलौता भाई। चले जी मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। अरे रात के खाने तक तो रुकते ना। जी नहीं जी, मुझे कुछ काम है। वो तुम्हारा भाई मेरी गाड़ी की चाबी ले गया। सत्यानाश, मना किया था अफलातून को चाबी मत देना अपनी गाड़ी की। अफलातून, अफलातून, अफलातून। हाँ भाई, एक टाइट वाला पान बनाना। हाँ भैया। गाड़ी कैसी है? एकदम मस्त है उस्ताद। किसकी है? अरे अपनी, समझ, अपने बहनोई की है। और हाँ, पान में चूना लगाना, हमें चूना पतला करना। चले। भैया पैसे। घटिया लोग, गाड़ी तो बड़ी जानी पहचानी लगती है। अफलातून गाड़ी लेके गया है, कह रहा था चेक कराने लेके जा रहा हूँ, बैठ गया होगा कहीं खाने। नहीं तो अगर चक्कर आने लेके जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाता, सेना बंदा साथ जाना चाहिए ना। मैंने तो अफलातून को फोन भी किया था, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं देखता हूँ उस नालायक को, आखिर जाएगा कहाँ। हेलो, ये उसी नालायक का होगा, मेरी बात करा इस कमीने से। अरे नहीं अंकल, मेरा मतलब ये तो मेरे पापा का फोन है ना। हेलो, कहाँ हो तुम? सर आपकी क्लिनिक में हूँ। जुबान निकालो। हाँ रोमियो, कहाँ हो तुम? पापा मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ। तुम्हारी मामा की गाड़ी कहाँ है? मामा की गाड़ी मेरे पास है, क्यों क्या हुआ? अब अंकल है ना, मेरी बात कराओ। दो दो अब। हेलो सलाम अलैकुम अंकल, मैं हीर बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? हाँ हीर, जुबान निकालो। अंकल आप बहुत मखौली हैं। वो असल में ना मेरे घर वालों ने रोमियो को चाय पर बुलाया था, आप समझ जाए ना मैं क्या कह रही हूँ।
मुझे उम्मीद है कि मेरे घर वालों को रोमियो तो पसंद आ जाएगा। बस बात तो करने दो अंकल से। हेलो पापा, वो एक्चुअली मैं आया दोस्त के घर पे था, लेकिन उसके बाद यहाँ बैठी और तुम्हें पता ही नहीं कि गाड़ी चोरी हो गई है। अरे नहीं पापा, गाड़ी चोरी नहीं हुई है, गाड़ी मेरे पास है, बाहर खड़ी हुई है। अभी एसएचओ साहब का फोन आया था, चोर गैंग पकड़ा गया है, गाड़ी बरामद हो गई है, तुम फौरन थाने से गाड़ी लेकर पहुंचो। गाड़ी चोरी? तुम ये गाड़ी घर वालों से चोरी करके लाए थे? अरे नहीं हीर, गाड़ी यहाँ बाहर से चोरी हुई है, चोर को पकड़ लिया पुलिस ने, हम लोगों को थाने जाना होगा। चोरी? इतनी जल्दी पुलिस ने चोरी पकड़ भी ली? अब पता चला ये पुलिस खुद मिली हुई है चोरी में। नजर, तुम जाओ ना रोमियो के साथ थाने, जा। मैं क्यों जाऊं थाने? मैं जब भी जाता हूँ वो मुझे पकड़ लेते हैं, वापस नहीं आने देते। अरे नजर भाई, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप सात अफलातून को ले लें। पकड़ सकता भी नहीं है, पकड़ा तो तब जाऊंगा ना कि जब मैं बाहर जाऊंगा। देखिए नजर, मेरी बात सुने ना, अफलातून का नंबर भी नहीं मिल रहा और रोमियो की गाड़ी हमारे घर के बाहर से चोरी हुई है। अब हमारा इतना तो बनता है ना कि हम उसके साथ थाने जाएं, वरना हमारी इज्जत का मसला बन सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हमारी नहीं, ये मेरी इज्जत का मसला है। रोमियो! रोको रोको रोको, सर भाई अंदर जाना है यार। हाँ तो अंदर ही जा रहा हूँ। यहाँ से चले यार, यहीं से वो उधर से भी रास्ता है। यार नजर साहब, उधर नजर साहब बात सुने यार, अंदर गाड़ी घड़ी भी है, चले साथ में मेरे। वो पापा ने बताया हमारी गाड़ी। बैठे बैठे। हाँ जी, वो तो हमने चोरों को बरवक्त रेड करके पकड़ लिया, वरना वो तो पुर्जे पुर्जे करके गाड़ी भेज देते। हवलदार, जरा चोरों को तो लेके आओ। मैं गाड़ी देख सकता हूँ? हाँ जी क्यों नहीं, वो बूटे और जरा रोमियो साहब गाड़ी तो चेक करवाओ। आपको गाड़ी किसने चोरी की है? बोले मैंने की है। मैंने की है जी। नहीं, नहीं, मैंने नजर भाई, आप मेरे बहनों की जी। और तू इसका बहनों ही है? और तू कुर्सी पे कैसे बैठा है? और तू तो सरगर्म है। उठ, उठ उधर से। After all, मैं तो मान दूँ, बड़ी इज्जत है मेरी। और भी करते हैं तेरी बड़ी इज्जत छोटी। और चलो यहाँ, इधर इधर लगो लाइन से, लगो सारे लाइन से, और सारे कान पकड़ो। ओ जी, कान अपने पकड़ने हैं या किसी और की? अरे मुर्गा बन, सारे मुर्गा बनाओ। और ये तेरा बहनोई, और जिसकी तू कह रहा था कि इसकी गाड़ी है, ये तेरा बहनोई? इस बार माफ कर दे जी, ऐसी गलती नहीं करूंगा। थैंक यू एसएचओ साहब, मैं गाड़ी ले जाऊं? हाँ बेटा ले जाओ। नजर साहब, मैं यहाँ हूँ। नजर भाई, यहाँ पे मुर्गा क्यों बने हुए? अरे ये आपके साथ है, मैं तो पहचाना ही नहीं। जिस तरह से मार रहे थे उससे तो यही लगता था कि पहचान लिया। रोमियो भाई, मिठाई से पहले मैं अफलातून था। ये तुम्हारा हाल किसने बनाया बताए? तेरा ये हाल किसने किया? मैंने खुद किया है जी। हालांकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। रोमियो भाई बताया ना इन्हें कि आपने अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दी थी। एसएचओ साहब, गलत फहमी हुई है पापा को, इनको तो मैंने खुद गाड़ी दी थी। वैसे मैं भी काफी मुअज्जज़ बंदा हूँ जी,
आप लोग एमपीए पदीना को जानते हैं? नहीं, मैं भी नहीं जानता, मजाक कर रहा था। जी गलत फहमी हो गई, एसएसओ साहब, इनको मैंने खुद गाड़ी दी थी, हम लोग को जाने दें। ओ चले ठीक है जी, आप जाएं जी, ले जाएं। जब तुम्हारी मामा ने कहा था कि उस लड़की से शादी का सोचना भी ना, तुम क्यों गए उसके घर? वहाँ गली के आवारा लड़के मेरी ही गाड़ी लेकर चले गए, तुम्हें कोई जिम्मेदारी का एहसास है ही नहीं। क्या हाल किया है मेरी गाड़ी का? हम आज इस इशू को खत्म कर देते हैं, आज के बाद इस घर में कोई हीर का नाम नहीं लेगा। मैं कहाँ ले रहा हूँ, आप तो खुद ही उसका नाम ले रहे हैं। क्या कहा इसने? वो कह रहा है मैं कब नाम ले रहा हूँ, आप ही लोग नाम ले रहे हैं। गुस्से का इजहार कर रही हूँ, सुना तो मैंने भी है कि उसने क्या कहा है। राज साहब आप इसके साथ सख्ती करें, ये क्या समझता है हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते? बंद करो ये राग, हाय हाय, मर्द बनो। मर्द ही तो बन रहे, औरत बनते तो उही करते। आए जिस हवलदार ने मुझे मारा वो धोबी था। तुझे कैसे पता? वो धोता कम और निचोड़ता ज्यादा था। मैं तो पहले ही कहता था मुझे पुलिस स्टेशन ना भेजो, पुलिस का जरा इतबार नहीं है मुझे। इतबार तो वैसे मुझे आप लोगों का भी नहीं है, लेकिन दूध जलेबियां तब मंगाओगे जब बेटी का सुहाग गुजर जाएगा। आए अफलातून, ये सब तेरा कसूर है, तू गाड़ी क्यों लेकर गया था है? अब्बा मुझे क्या पता था गाड़ी चोरी की होगी। इतनी बेइज्जती मेरी आज तक थाने में नहीं हुई। ये रोमियो ये है ही मनुष्य, जब जब मुझे मिलता है मेरी बेइज्जती हो जाती है। अगर रोमियो की हीर से शादी हो गई ना, लिखवा लो मुझसे, मैंने गुजर जाना उस दिन। अब्बा वो नजर भाई के लिए जाके जलेबी और दूध लेकर आई है ना। मैं माजून लेके आता हूँ दवा खाने से। और जो हीर कह रही है वो भी कोई सुनेगा? लाता हूँ। यहाँ बैठे हैं आप, पूरे कैंपस में ढूंढ रही थी मैं तुमको। लड़कियों का ना यही मसला है, शादी से पहले खावन ढूंढना और शादी के बाद भी खावन को ढूंढना। रात को मेरा फोन क्यों अटेंड कर रहे थे तुम? मां पापा से डॉक्टर चल रहा था। हाय, हीर ने बड़ी मेहनत से तुम्हें रियायती नंबर दिलवाकर मुश्किलों से पास करवाया है, वरना तुम्हारे प्यार में सपली आ गई थी। क
तो आप भेज रहे हो अपने माँ बाप को मेरे घर। वो बात की थी लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से पसंद आए हो, जल्दी कर लो वरना कोई और आ गया तो तुम्हारा चांस मर जाएगा। हीर मुझे तुमसे एक बात करनी है। बात ये है। बस इतनी सी बात है कि बात ये है? हीर तो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब मैंने उनको तुम्हारी फोटो अलग अलग भी दिखाई, तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई, फिर दोनों को इकट्ठे दिखाई, फिर तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई। वाह, ये आया ना कहानी में ट्विस्ट। वही मैं कहूं हीर की लाइफ इतनी बोरिंग तो नहीं हो सकती। मोहब्बत में मुश्किल ना हो तो मोहब्बत मशकूक मशकूक सी लगती है। अब आएगा मजा। जी आहो जी, हाय शुक्र है कोई तो एक्साइटमेंट आई लाइफ में। हीर तो भी ये सब कुछ एक्साइट करता है। हाँ ना, वरना बड़ी बोरिंग हो गई थी लाइफ। जवान साले लड़के ने पसंद की शादी ना होने पर जहर खाके खुदकुशी कर ली। लड़के के घर वालों ने बताया है लड़का बहुत परेशान था और घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मायूसी का शिकार हो गया। तो बहुत ही पुराना तरीका है खुदकुशी करने का। शादी के दिन दूल्हा शादी हाल से भाग गया, माँ बाप जबरदस्ती शादी कर रहे थे। मगर वो भागा क्यों, उसके पास कन्वेंस नहीं थी क्या? माँ बाप ने लड़के की जबरदस्ती शादी की और दूसरे ही दिन दूल्हा ने दुल्हन को घर से निकाल दिया। मगर उसको घर से क्यों निकाला? आजकल तो लोग ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे डिलीट करते हैं और अगर मसला ज्यादा सीरियस हो तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हैं। पसंद की शादी ना होने पर लड़की ने पंखे से लटक कर गले में फंदा डाल लिया। भाई ये तो बहुत ही घिसा पिटा आइडिया है, मगर तुम ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हें अभी गूगल से सर्च करके कोई अच्छा सा आइडिया देती हूँ। रोमियो अखबारों को मार्क करके यहाँ रख के क्यों चला गया है? तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। राजा आप क्या करेंगे? कुछ तो करना ही होगा। मामा पापा ने अखबार भेजा। माँ बाप की मर्जी से शादी करने वालों में तलाक की शरह सबसे कम। ओके मॉम। माँ बाप की नाफरमानी करने पर
बेटे को जायदाद से हक, पिजारों से पांव पर आने पर बेटे के होश ठिकाने। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले को पहली ही रात दुल्हन बेहोश करके सब लूट के फरार। मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले को बीवी ने खाने में जहर मिला के मार दिया। अभी तो कहानी में ट्विस्ट आया और तुम मुंह लटका कर बैठ गए हो। अरे फिकर नॉट, हीर के पास बड़े आइडियाज हैं, ये शादी हो कर रहे। भागने के अलावा कोई आइडिया है तो दो, ये मूवी नहीं रियल लाइफ है। तो मूवीज भी रियल लाइफ पर ही होती हैं। अब मुझे देखो ना, मुझे देख के ऐसा लगता ही नहीं जैसे मैं किसी मूवी से निकल कर तुम्हारी लाइफ में आ गई। तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें हीर मिल जाएगी। हीर कोई आइडिया है तुम्हारे पास? तुम भूख हड़ताल पे चले जाओ। हाँ, ताकि खुदकुशी से नहीं भूख से मर जाऊं। दफर, तो यहाँ के खाना खा लिया करना, घर पे ना खाना। नहीं नहीं नहीं, फ्लॉप आइडिया, नेक्स्ट प्लीज। तुमने अगवा करवा लेते हैं। अगवा पर है तावान, कैसा? अगवा पर है तावान, और तावान की रकम का करेंगे क्या हम? अरे हम उनसे तावान नहीं मांगेंगे, हम अपने मुतालबे मनवाएंगे। मुतालबा नंबर वन। नेक्स्ट। अरे पहले मुतालबा तो सुन लो। देखो, हम उनको बोलेंगे अगर आप रोमियो की शादी हीर से नहीं कर रहे तो हम रोमियो की जान ले लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सुनो, ऐसा करते हम दोनों भाग के शादी कर। अरे यार मुझे पता था, एक तो तुम ये घूम फिर के उसी आइडिया पे आओगे भागने के। तुम्हें भागने का क्रेज है क्या? हेलो, मैं क्यों भागू अपने घर से? मेरे घर वाले तो पहले से ही माने हुए। एक काम करो, तुम भाग जाओ, बेस्ट होगा। तुम्हें भागना एक्साइट क्यों करता है हीर? आइडिया का आइडिया और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। चलो चाय पिलाओ मुझे। तुमने चाय भी पीना शुरू कर दी? अब देखो ना, तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई तो है नहीं, तो तुम्हारी बुराइयां अपनानी पड़ेंगी ना मुझे। छोटे एक चाय। बड़ी आवाज चलेगी उसको। छोटे चाय लाओ। बागों में पड़े झूले, बागों में पड़े झूले, हम पिया। हीर, हकीम साहब कह रहे थे वो रोमियो के घर वालों को ना किसी दिन घर बुला लो। अब पहले पिछली मार की दर्दें तो ठीक हो लेने दे। वैसे नजर भाई, उसकी गाड़ी बड़ी लाजवाब थी, है ना? थाने में मार भी उतनी लाजवाब पड़ी थी। आप क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए, छोड़े ना। हीर तो एक काम कर, रोमियो को किसी दिन बुला ले ना। ऐसा कर, कल ही बुला ले। कल? इतनी जल्दी? अरे उनको मनाने में टाइम लगेगा। किसे मनाना है? रोमियो के माँ बाप को। लोगों ने कई कई दिन पहले उनसे इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया होता है। कई कई दिन पहले टाइम? नजर भाई, उन्हें पता कैसे चलता है कि कई कई दिन बाद हमने बीमार होना है? हीर तो ऐसा करना, इसी हफ्ते बुला ले उनको।
हेलो डॉक्टर। तो कैसा रहा रिजल्ट फरियाल? ओह सुपर्ब डॉक्टर, अब मैं चाहती हूँ कि आप ना मेरी स्माइल जूलिया रॉबर्ट जैसी कर दें और आप ना मेरे लिप्स हाँ एंजेलिना जूली जैसे। ओह माय गॉड, और ना और मेरे गालों पे तिल आप सिडनी कैफोर्ड जैसे बना दे। बस आप ना मुझे ब्यूटी ब्यूटी बना दे। सब कुछ दूसरों जैसा चाहती हो, कुछ फरियाल जैसा नहीं चाहती? डॉक्टर मैं खुद को ना अपनी मर्जी से बनाना चाहती। ओके डॉक्टर शहनाज, रोमियो नजर नहीं आ रहा, कहाँ गायब है? क्या तुम्हारी रोमियो से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, और आज ना वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आया। ये नाइट क्रीम लगाना और धूप में बिल्कुल नहीं जाना। थैंक्स। डॉक्टर शहनाज, रोमियो नजर नहीं आ रहा और आज ना वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आया। रोमियो शो मी।